हाउज़बिल्लाशानजी बसमीम असल स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। ठीक है, हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है बच्चों, और जो है लेक्चर नंबर 6 है, तो आप लोग ऐसे करें, अपनी कारवानी उर्दू बुक ओपन करें, ताकि आपको मैं आज जो है उसकी कुछ एक पिक्चर दिखाऊंगी, वहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, उसको हमने नेक्स्ट पेज पे उन चीज़ों के साथ जो भी लफ्ज़ों के साथ जो वो चीज़ें बनेंगी वो हमने राइट करनी होंगी। ठीक है, कारवानी उर्दू की बुक ओपन करें बच्चों, पेज नंबर 25 यानी 25 और 26। ठीक है, इसमें बेटा तस्वीरी तफहीम है, इसके ऊपर आप लोग लिखे 8 जून 2020 जमात का काम है, 2 डेज़ अ डे पी पे पी रेसा केन पी। ठीक है बच्चों, अब हमने तस्वीर को गौर से देखना है। ये देखे बच्चे, अब ये हमारे पास खिड़की है। ठीक है, खिड़की में एक गमला पड़ा हुआ है, जिस पैरेट बैठा हुआ है, जिस पे तोता बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ दीवार पे एक पिक्चर लगी है जिसमें कार्टून बना हुआ है। ठीक है बेटा, ये देखें आप, यहाँ टेबल है, इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, कंप्यूटर। ठीक है, इसके साथ चेयर पड़ी हुई है, चेयर के साथ यहाँ नीचे क्या है हमारे पास, पतंग। ठीक है, ये आप फर्श पर क्या है, पतलून पड़ी है। ठीक है, ये बैग है, नीचे जूते हैं, कमीज़ है। ठीक है, यहाँ टेबल पर 3 किताबें पड़ी हैं, 1 किताब ने किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, ये अब बेड है। ठीक है, बेड के ऊपर टावल ही पड़ा है, ये चॉकलेट साथ पड़ी हैं। ठीक है ना, यहाँ पे पिलो यानी कि ये तकिए भी पड़े हुए हैं, यहाँ पे अब साइड टेबल पड़ा है, इसके ऊपर लैम्प पड़ा हुआ है, यानी कि आप लोगों को ये अब चीज़ें जो है वो अच्छी तरह दिखाई देंगी होंगी। बाहर जो है वो एक दरख्त है, उसके मतलब उसे चिड़िया बैठी हुई है उनके पत्तों पर। ठीक है ना, ये अब हम सारी चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम लोग लिखना शुरू करें। यहाँ देखें टेबल, इस टेबल में कंप्यूटर के साथ जहाज़ ही पड़ा हुआ है, खिलौना। ठीक है ना, ये सारा देख लिया। अब नीचे जो है वो कारपेट है। ठीक है, अब इन लफ्ज़ों से जो लफ्ज़ आगे लिखे उनसे जो ये चीज़ें बनती हैं वो हमने नेक्स्ट पेज पर बच्चों राइट करनी है। पेज नंबर 26 आप ओपन करें, एक दफ़ा फिर ये चीज़ें देख लें। ठीक है ना, सब कुछ देख लिया है ना, कमरे में शूज़ भी हैं, कमीज़ भी है, पतलून भी है, किताबें, टेबल यानी मेज़, बैग, पतंग, तस्वीर, तोता, चिड़िया, गमला, कंप्यूटर, जहाज़, लैंप वगैरह। ठीक है ना बेटा, ये देख लिया जो बच्चे एक बच्चे के कमरे में चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26 हम ओपन करेंगे जी बच्चों। अब मैंने पेज नंबर 26 यानी 26 ओपन किया, इसके ऊपर भी ये सरगर्मी है, आप लोग डेट इसी तरह राइट करें। ठीक है, 8 जून 2020 जमायत का काम एंड पीर। अब बेटा हमने करना है, अब इस तस्वीर में दिखाई देने वाली चीज़ों के नाम लिखिए जो नीचे दिए गए हरूफ से शुरू होती हैं। ठीक है ना SLS स्टूडेंट्स, बच्चों मैंने अब आप लोगों को पीछे पिक्चर दिखाई है ना, साथ साथ मैंने बताया भी है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हरूफ, ये हरूफ लिखे हैं, इनसे हमने चीज़ें बनानी हैं। मिसाल बे, बे से अब क्या बनता था, बस्ता और बिस्तर थे ना बेटा, बस्ता भी था बिस्तर भी था। ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं पे से और लफ्ज़ बनाएं। ठीक है, पेंसिल आपके हाथों में है ना, पे से क्या बनता था, पतंग, पे फिर ते के शोशा नून और गाफ ऊपर, गाफ की 2 कशें, पे के नीचे नुक्ते, ते के ऊपर 2 और नून, पे ते नून गाफ पतंग। ओके SLS स्टूडेंट, नंबर 2 पर बनेगा पलंग, पे लाम नून गाफ पलंग पड़ा हुआ था ना पलंग। ठीक है, बेड होता है लेकिन उसको हम पलंग बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, पे लाम नून और गा पलंग। ठीक है बच्चों, अच्छा ते से अब मैं आपको एक नई चीज़ बताऊँ, आप जो नई आया है ना मतलब डिक्शनरी, उसमें तोता को ते से कर दिया है। अब तोय वा तोय अलिफ्ता तोता नहीं बल्कि ते वा ते अलिफ्ता तोता, ते वा ते अलिफ्ता तोता बनेगा। ठीक है ना, ते वा ते अलिफ्ता तोता। ठीक है, तोय वा तोय अलिफ्ता तोता भी चलेगा, लेकिन उन्होंने पिक्चर में हमें सिर्फ स्पेसिफिक इसीलिए चीज़ दिखाई है कि इसके हम लोगों ने मतलब डिक्शनरी वगैरह में या इसकी प्रोनाउंसिएशन में आप चेंजिंग होंगी। ठीक है बच्चों, तोता
नेक्स्ट है तोलिया, तोलिया था ना, तेवा तो लाम ये है या तोलिया, तेवा तो लाम ये है या तोलिया, ठीक है ना, उसके साथ पड़ा हुआ था। अब चे से चिड़िया भी थी और चॉकलेट भी थी, ठीक है, चे अड़े चिड़ ये लिफ जा चिड़िया, चे अड़े चिड़ ये लिफ जा चिड़िया, चे लिफ चा बनाए काफ क्या लाम ये टे चॉकलेट, ठीक है चॉकलेट। ये सर मैंने राइट किया रहा, जीम से जूता, जीम के साथ बच्चों वाव बनाए आगे ते अलिफ्ता जूता, ठीक है। अब यहाँ पे जहाज भी था ना, जीम के साथ हे यू नीचे बना के हे अलिफाज हे साकिन जहाज, जीम हे अलिफाज हे साकिन जहाज। नेक्स्ट है किताबें, क्या से क्या ते अलिफ्ता भैये बे नुनगुन्ना किताबें, तीन किताबें थी ना, एक किताब तो नहीं थी ना, क्या ते अलिफ्ता भैये बे नुनगुन्ना किताबें। और था हमारे पास कंप्यूटर, क्या मिमकम पे का ए ये और ये के साथ वाओ, पे के नीचे तीन नुक्ते ये के नीचे दो नुक्ते, टेरेटर कंप्यूटर, क्या मीम पे ये वायु टेरेटर कंप्यूटर, ठीक है। पतंग पलंग तोता तोलिया चिड़िया चॉकलेट जूता जहाज किताबें कंप्यूटर, ओके जी। एस एल स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी बेटा, बिल्कुल आराम आराम से बेटा राइटिंग करनी है, अपनी लिखाई अच्छी करनी है, उर्दू की भी पेंसिल अच्छी तरह शार्प करके बेशक आराम आराम से जो है वो ये राइट कर लें, ठीक है ना। ये आज का हमारा बिल्कुल जो लेक्चर नंबर 6 था वो बिल्कुल शॉर्ट था, अब इसमें कुछ वर्ड थोड़े से मुश्किल भी हैं, ठीक है, मैंने राइट इधर की हैं, ठीक है, तो कोशिश करें इनकी घर में भी सही राइटिंग करने की, ताकि आप लोगों का जो है लिखाइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएँ, ठीक है बच्चों। अगर कोई फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें।